चलते हादसे शुरू हो गए। 3 दर्जन वाहन आपस में टकरा गए जिसमें कई लोग घायल हैं। बुलंदशहर में सर्दी के पहले कोहरे का कहर। बुलंदशहर में टकराए 3 दर्जन वाहन। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं घायल। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं रहा है। अरनिया थाना क्षेत्र के दशहरा फ्लाईओवर का पूरा हादसा है। कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण लगातार हादसे शुरू हो गए और जगह जगह हादसों की वजह से कई लोग काल के गाल में भी समा रहे हैं। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। आज सुबह 6 बजे के लगभग अलीगढ़ से एक DCM खुर्जा की तरफ आ रहा था। घना कोहरा होने की वजह से अरनिया के पास जो नया बाईपास बन रहा है उस बाईपास पर पहुंचते समय ही DCM का टायर फट जाता है, जिसकी वजह से साइड में अनियंत्रित हो जाता है। उसके पीछे लगी हुई रोडवेज बस, कैंटर और कुछ और छोटी गाड़ियाँ थी जो आपस में आकर के टकरा जाती, जिसमें से एक ट्रक ड्राइवर ज़्यादा घायल हो जाता है और जिला अस्पताल रेफर होता है। जिला अस्पताल में जानकारी मिली कि उसकी मौत हो गई और जो 5-6 लोग घायल थे उनमें से एक अलीगढ़ रेफर हुआ है, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। एक ज़्यादा घायल का इलाज यहाँ बुलंदशहर अस्पताल में चल रहा है। बाकी जो सामान्य चोटें आई थी वो सब अपने साधनों से चले गए। बुलंद